स्टार्ट फ्रॉम मी या ओके आज मोहित का बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे टू यू मोहित. थैंक यू सो मच. और ये बोलना चाहूँगी कि इट्स वेरी स्पेशल. एक्चुअली ही इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. ही इज़ नॉट ओनली डायरेक्टर, ही इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूसर स्टाइलर फॉर मी. ही इज़ माई मेंटर एक्चुअली. दैट्स व्हाई आई केम हियर. थैंक यू सो मच. हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच. मोहित को मैं काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ और ये काफ़ी बहुत मैं मतलब जब से मुंबई आया हूँ तब से ये मुझे मेंटोर कर रहे हैं और काफ़ी सारे काम किए मैंने इनके साथ और अभी कुछ ऐसे काम जो है जो अभी हाल में ही 2-3 दिन में आने भी वाले हैं. इन्हीं का गाना कल रिलीज़ हो रहा है यार, तेरी आंखों में गाइस. बहुत बहुत प्यार दीजिए जी म्यूज़िक की खास पेशकश. एंड कल लॉन्च हो रहा है इनका गाना तेरी आंखों में गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. बहुत हमारा वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स हो रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू. हाँ तो फोटो कर लो. चीज़ है कि इनके बर्थडे में ना आए हम तो कैसे काम चलेगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यार सोनिया जी के, सोनिया मेरी बहन, जैसे ने बताया मेरी बहन है, बट उसके अलावा हम काम बहुत सारा किया, बहुत सारे शूट्स किए हैं. बिग बॉस में भी मैंने स्टाइल किया इनको. उसके अलावा अभी रिसेंटली इनके साथ मैंने गाना किया है, पहली बार हो रहा है एंड गाना अच्छा चल रहा है, 1 मिलियन क्रॉस कर गया है. एंड बहुत सारा काम हम लोग साथ करने वाले हैं. अभी यूरोप फ्लाई कर रहे हैं और अच्छा प्रोजेक्ट करने वाले हैं. एंड जब भी हमें ज़रूरत होती है सोनिया जी सबसे पहले हाजिर होती है हमारे लिए. क्योंकि पहली बात तो मोहित चीज़ें बहुत अच्छी करता है. इनफैक्ट यू नो इतनी कम टाइम में उन्होंने जितना अचीवमेंट किया है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. और मेरे भाई ने किया है वो. और जब भी होता है ये मेरे को बहुत ऊपर रख के चलता है कि जो भी काम होता है सबसे पहले मैं होती हूँ उसके काम. हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर करके सीढ़ी बाय सीढ़ी करते जा रहे हैं एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच. अरे यार बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा. आज इनफैक्ट काफ़ी टाइम के बाद मेरी मुलाकात होगी उससे. बीच में मैंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, सामने आना बंद कर दिया था. अभी मैं आ जाता हूँ, कभी कभी निकल जाता हूँ घर से. तो खैर बहुत ख़ास दोस्त है और सामने ही खड़ा है. क्या है? हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. अच्छे लग रहे हो. अच्छा लग रहे हो. आप भी बहुत किराए के कपड़ों में. बाहर तो काम ही गया यार. तुमसे लेने किराए के कपड़े. एनीवे खैर मैं जैसे कहा कि बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई मेरी मोहित से. पतले हो गए तुम. हाँ आप भी. चलेगा. बताओ मेरे बारे में कोई अच्छी बात है बोलो. यार शेजान को मैं आई थिंक 1.5 साल के साथ से जानता हूँ. इसी होटल में शूट किया था. इसी होटल में शूट किया था. उसके बाद बहुत सारा काम किया एंड मैनी मोर टू कम टुगेदर. मैनी मोर टू कम टुगेदर. एक इनवाइट पे आ गया. थैंक यू सो मच. अरे ऑफ कोर्स. बताओ क्या खिला रहे हो? अंदर भूख लग रही है. बहुत भूख लगी. चलो चलते हैं कुछ खा के आते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चल happy that I have been privileged enough to be his friend and come to his birthday party. And so we have recently become very good friends. So I'm really, really wishing him all the luck, all the success and prosperity for his upcoming years. And have a great, great birthday. धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आने के लिए. मोहित और मैं बहुत कम मिले हैं बट जितने भी मिले हैं बहुत अच्छी मुलाकात हुई है मोहित के साथ. एंड आई रियली विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए किया. जब मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी तब से एज अ हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ये मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे छोटा भाई मानते हैं. एंड आज का जितना भी अरेंजमेंट है थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू गोल्डफिंच होटल. इन्होंने पूरा सेटअप लगा के दिया है एंड दे आर अवर हॉस्पिटैलिटी पार्टनर एंड इनकी सर्विसेज ऑलवेज रॉक, ऑलवेज बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. प्लेजर इज ऑल माइन. And it's a good opportunity to wish him a happy birthday. Thank you, sir. Happy birthday, brother. Thank you so much. Thank you. Thank you. ये लोगों बाकी सब लोग अच्छे होते हैं बट उन लोगों में कुछ कुछ डिफरेंट वाइब होती है. इनकी वाइब हमेशा पॉजिटिव वाइब लगी मुझे. मैंने इनके साथ काफ़ी काम किया है. हमने एक शेड्यूल किया था जयपुर में, 5-6 सॉन्ग्स का शेड्यूल किया था, उसमें भी भाई थे. अभी मॉरिशस में हमने 5-6 शेड्यूल किया, 5-6 सॉन्ग्स का शेड्यूल किया, उसमें भाई ही है. एनी वे डन मोर देन 15 सॉन्ग्स. या सो अभी हमने काफ़ी काम किया और आगे भी काफ़ी काम करें बिकॉज ऑफ इनकी पॉजिटिव वाइब. और इतना बेहतरीन काम करते हैं. कॉस्ट्यूम ओ माई गॉड. बोलूँगा नहीं, अभी मेरा एक गाना आने वाला है. क्या कॉस्ट्यूम किए हैं. मतलब मैंने मेरी सोच होती है, एक डायरेक्टर की सोच होती है कि गाने के अंदर कॉस्ट्यूम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है. वो शायद ये मेरी समझ पाते हैं. हर वक्त मैं जब भी इनसे डिस्कस करता हूँ सॉन्ग्स को लेकर तो ये खुद से इन्हेंस करते हैं चीज़ों को. बाकी कुछ बोलिए भाई के लिए. सबसे पहले तो भाई को हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. भाई के साथ अभी हाल ही में हमने शूट किया है मॉरिशस में एक सॉन्ग है और दूसरे सॉन्ग के लिए भी भाई
कॉस्ट्यूम कर रहे हैं हमारा. थैंक यू सो मच. बहुत जल्दी शूट करेंगे. थैंक यू. थैंक यू. Who is the designer of this? Hanji. Hanji, as a designer, I think he's brilliant, man. And tabhi mere itne acche dost bane hain kyunki unme designing jo hai koot koot ke bhari hai. So that's why. Who is this? Has he? No. What are you saying? Hello. Yeah, hello. Happy birthday. मैंने आपकी बड़ी तारीफ की अभी डिजाइनिंग की, अब आप मेरी तारीफ. अरे सिम्बा को मैं आई थिंक 2-2.5 साल से अच्छे से जानता हूँ. ठीक है. काम रिसेंटली स्टार्ट किया एंड बिग बॉस उनका फैन हूँ. फिर उनको स्टाइल किया. अभी रिसेंटली भी एक म्यूजिक वीडियोस करके आ रहे हैं हम लोग मॉरिशस में से. ठीक है. बहुत मजा किया. 5-6 दिन हमने मस्त शूट किया. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैन. एंड ऐसे ही यार आते रहो, प्यार बरसाते रहो. बिल्कुल बिल्कुल. अभी तो शुरुआत है. बहुत काम करेंगे साथ. बहुत सारा काम करेंगे. सून हम बहुत अच्छी जगह कंट्री फ्लाई करने वाले हैं. और एक और म्यूजिक वीडियो के लिए माय प्रोडक्शन एंड आई विल बी योर डायरेक्टर. या थैंक यू. Of course, he's like amazing guy in this world, and of course, I want to say happiest birthday, bro. Keep shining, keep rocking. How you do it? And yes, how people know him, like he is always about passionate about his work. Like he always style people. People look great because of him. So yeah. So much. Thank you so much. Thank you. Big Boss 3, if there was also part of the Big Boss show. Yeah. यार अभी तो स्टार्ट हुआ. अभी मैं क्या कह सकता हूँ. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यार. साइकेतन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. उसके साथ हाल ही में हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया. सना सुल्तान मेरे को 5-6 साल से जानती है. बहुत अच्छी दोस्त है यार. मैं उन दोनों के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा बिकॉज उन दोनों को मैं बहुत अच्छे क्लोजली जानता हूँ. एंड आई होप कि दोनों में से कोई जीत जाए. दैट्स व्हाट आई विल से. थैंक यू. थैंक यू. तो आज मोहित का बर्थडे है. 30 साल. बट ही इज लुकिंग लाइक 13 ओनली. या आई वांट टू लुक लाइक दैट ओनली. या ही इज अ यंग गाय. या तो आई एम हैप्पी लुकिंग गॉर्जियस. हां बॉय ब्लैक 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 सब ब्लैक पहन के आए. देखा आपने ये थीम है हमारी आज. सो ब्लैक थीम. सब ब्लैक है. यस. तो और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अरे यार कौन है बिग बॉस में? मेरे को तो ये भी नहीं पता. मैंने देखा नहीं. ब्रो या फक मॉरिशस मैन. या 15 डेज. चलो रेडी. आज मोहित जी का जन्म दिवस है जी. बहुत खुशी हुई हमें. और ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाय आई एवर नोन. और बहुत काम भी किया हमने साथ में. अभी हमारा एक काम भी बाहर आने वाला है बहुत जल्दी. बहुत जल्दी मे बी बाय 7th or 8th आप पे बहुत प्यारा गाना देखेंगे जो मैंने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया है. उनसे पहले मैं इनको बहुत बार स्टाइल किया है. बट एज अ डायरेक्टर फर्स्ट सॉन्ग इनके साथ किया हमने जो बाकू में किया है. बहुत प्यारा गाना निकल के आया है. गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. रोहित आजा. मोहित का बर्थडे है एंड मोहित हमारा बहुत बहुत पुराना फ्रेंड है. एक्चुअली उसके साथ मैंने बहुत सारे शोज फैशन शोज किए एंड इज अ डार्लिंग. और उसका बर्थडे और हम नहीं आएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो मैं उसके लिए बहुत सारे विशेस करूँगी कि वो अच्छा रहे, खुश रहे, ऐसे ही हमेशा यू नो तरक्की करते रहे. क्योंकि उसका लाइफ जो है, उसका जर्नी जो मैंने देखा है, नाउ ही इज़ लाइक डूइंग वेरी गुड जॉब. सो मुझे बहुत खुशी है उसके लिए एंड मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे. हाँ, आप लोग मेरा नया शो प्लीज़ देखिए, माटी से बंधी डोर, जो आ रहा है स्टार प्लस पर. हमने बहुत मेहनत की है और हर शो के लिए इंसान मेहनत करता है. आई नो ये बहुत पुरानी लाइन होगी कि हमने मेहनत की है, पर वो बहुत अलग शो है, माटी से जुड़ा हुआ है और मेरा किरदार उसमें बहुत डिफरेंट, सिंपल एक विलेज गर्ल का है. सो उसे प्लीज़ सराहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए. मैं बहुत कम लोगों के
पार्टीज में जाती हूँ, बहुत कम अपीयरेंसेस देती हूँ. और मोहित इज़ फैमिली. मोहित एक बहुत ही टैलेंटेड सोल है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं और छोटे छोटे शहरों से आकर बॉम्बे में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए. मैं भी छोटे शहर से हूँ और बहुत सारे अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया है तभी मैं कहीं ना कहीं लाइफ में पहुँच पाई हूँ और आगे भी यू नो उनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है. सो आई एम ऑलवेज गोना बी देयर फॉर मोहित बिकॉज आई थिंक ही इज़ एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी नाइस ह्यूमन बींग एंड वेरी टैलेंटेड. ओहो आपने तो पूरी ओके. सो बेसिकली कन्वर्जन लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी फिल्म और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म थी. लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा है और अब सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमारी फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी है जो कि लव जिहाद के बारे में बहुत खुलकर बात कर रही है और लोगों से बहुत ही प्रेरणा मिल रही है और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में लव जिहाद रियल चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए अगर ये हिंदुस्तान में हो रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने भी इसे देखा है. एंड ऐसे ही बहुत सारे सशक्तिकरण वाले जो मुद्दे हैं वो लेकर मैं आ रही हूँ. इस साल मैंने 2-3 फिल्में शूट की हैं, वेब सीरीज़ किया है रज्जो जिसकी पोस्ट प्रोडक्शन हो रही है और रतनपुरा नाम की एक फिल्म भी की है और म्यूज़िक वीडियोज़ तो काफ़ी सारे अभी जावेद अली के साथ जो म्यूज़िक वीडियो था दिल ऐसा तोड़िएगा वो रिलीज़ हुई. सो एक और फिल्म है जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूंगी, वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म है, एज अ लीड कर रही हूँ वो भी. तो बस काफ़ी कुछ चल रहा है, आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरह से दीजिए कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा और ब्राइट करती रहूँ. थैंक यू सो मच.